हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल बीए स्टडी में। दोस्तों, आप सभी लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि आपको बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का कल आपका सेकंड पेपर का पेपर होने वाला है। जो आप देख रहे हो यहाँ आपका सेकंड पेपर में बहुत कुछ थोड़ी सी चीज़ें चेंज हुई हैं, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो कौन कौन से टॉपिक्स आप पढ़ लो जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे मार्क्स लेकर के आ सको, तो उसी से रिलेटेड आज की हमारी ये वीडियो होने वाली है। इसमें मैं आपको टॉप 10 टॉपिक्स देने वाला हूँ। ये टॉपिक्स अगर आप पढ़ के जा रहे हैं तो आप 100% ये चीज़ें आपके एग्जाम में फंसने वाली हैं, आपके एग्जामिनेशन में। तो आई होप वीडियो तुम पसंद करोगे, तो ज़्यादातर लोगों तक पहुँचाना, शेयर करना, ताकि और भी लोगों को इस बारे में पता चल सके, उनके एग्जाम्स हैं, जल्दी से उन तक ये चीज़ें पहुँचा देना। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का टॉपिक आपके सामने दिख रहा है बीए थर्ड ईयर का पॉलिटिकल साइंस का। ये आपका पेपर टू है, पॉलिटिकल साइंस का पेपर टू है। पेपर टू आप देखोगे तो आपको दिख नहीं रहा होगा पेपर टू, बट इट इज़ पेपर टू। तो आपका बीए थर्ड ईयर का पेपर टू है। आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं आप देख सकते हो। पहला टॉपिक आपके सामने दिख रहा है, कौन सा टॉपिक है आपका, लोक प्रशासन। अब आपको देखना है इसमें लोक प्रशासन में कि लोक प्रशासन क्या है, लोक प्रशासन का विषय क्षेत्र क्या है, लोक प्रशासन की विशेषता क्या है, लोक प्रशासन वर्सेज जो आपका निजी प्रशासन होता है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये आपको पढ़ना होगा। लोक प्रशासन वर्सेज निजी प्रशासन, तो लोक प्रशासन को आपको बेसिकली अच्छे तरीके से पढ़ लेना। बहुत सारे क्वेश्चन इससे आपसे बनते हैं। इसमें आपके जो फर्स्ट क्वेश्चन आता है ना कंपलसरी वाला, वो भी क्वेश्चन फंस सकता है इससे, और आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन भी आपसे फंस सकते हैं, 1000 वर्ड वाले या 500 वर्ड्स वाले। उसके बाद आपका देखते हैं सेकेंड टॉपिक। सेकेंड टॉपिक आपका क्या कह रहा है कि वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। लोक प्रशासन की एक सिद्धांत है वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत। तो वैज्ञानिक प्रबंधन सिद्धांत क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में हमें बात करना है। इसमें लोग जो है इससे रिलेटेड आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, या तो आपके 500 वर्ड्स में या फिर 1000 वर्ड्स में आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत जी। ये आप लोगों का कल एग्जाम होने वाला, अभी 9 बजे से हम लाइव जाने वाले हैं, तो उसके बाद तुरंत आपको ये वीडियो मिल जाएगा। तो डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी प्रोवाइडेड। ओके, अगला तीसरा है आपका, जो थर्ड नंबर टॉपिक आपके सामने दिख रहा है वो क्या है, पद सोपान का सिद्धांत। पद सोपान का सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है। यह आपसे 500 वर्ड्स में एंड जो आपके 200 वर्ड्स जो आपके फर्स्ट नंबर क्वेश्चन होता है कंपलसरी वाला, उसमें यह बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पद सोपान का सिद्धांत, इसको अच्छे तरीके से समझ लेना। और बहुत इजी है, जिसको आप थोड़ा सा पढ़ लोगे केवल, एक तरह से आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप पढ़ लोगे आपको चीजें समझ में आ जाएंगी, बस आप लिख करके चले आओगे। ओके, अगला है आपका जो नेक्स्ट फोर्थ नंबर टॉपिक, वो क्या है, सत्ता का प्रत्यायोजन। सत्ता का प्रत्यायोजन क्या होता है, कैसे होता है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या लॉस हैं, उससे किस तरह से सत्ता एक अच्छे तरीके से चल सकती है, उससे रिलेटेड आपसे क्वेश्चंस इसमें टॉपिक्स आएंगे। इसमें आपके लॉन्ग आंसर टाइप ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। अगला टॉपिक है आपका फिफ्थ नंबर का टॉपिक, क्या कह रहा है कि प्रशासन में मुख्य कार्यपालिका की भूमिका क्या है। प्रशासन अगर जो चीज़ है उसमें जो मुख्य कार्यपालिका होती है उसकी क्या भूमिका है, उसके क्या स्टेजेज है, उसके पास क्या पावर्स हैं, उसके बारे में यहाँ पर बात करनी है। इससे भी आपके लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं। तो आप अगर इन टॉपिक्स को रट ले रहे हैं या इन टॉपिक्स को आपने अच्छे तरीके से तैयार कर लिया है, तो आपके पास देखिए ऑप्शंस की कमी नहीं होती। अगर आप खंड आ करने जाएंगे तो उसमें आपके पास 4 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से किसी एक का केवल आपको आंसर देना होगा, क्योंकि 1.5 घंटे आपके पास टाइम है। खंड बा में जो आपका है उसमें भी 4 में से केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है, तो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारा होगा। तो इतने 10 टॉपिक्स आप पढ़ करके चले जाओ, आप 100% एग्जाम अच्छे से देकर के आ जाओगे। अगला टॉपिक आपका जो है 6 नंबर का टॉपिक, ये देखो क्या है, सूत्र तथा स्टाफ अभिकरण। ये काफी इंपॉर्टेंट चीज है, सूत्र और स्टाफ अभिकरण, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं कई बार, इससे रिलेटेड बहुत बार, लगभग हर साल इससे सूत्र और स्टाफ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कई बार आपसे इसको शॉर्ट में भी पूछ लेता है कि सूत्र क्या है, इसके बारे में बताओ, या स्टाफ के बारे में बताओ, या सूत्र वर्सेज स्टाफ पूछ लिया जाता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अगला है आपका पदोन्नति क्या होता है, यानी कि जैसे कोई नौकरी है उसमें पदों में उन्नत कैसे होती चलती है, जिसको हम प्रमोशन कहते हैं, क्या होता है, कैसे होता है, इसके पीछे क्या क्या रीजंस हैं, ये सभी चीज़ें जानना, इन सभी चीज़ों, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो भी टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूँ इससे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे बन के आते हैं, और इसमें आपके शॉर्ट भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप पदोन्नत तैयार करके जा रहे हो तो इसके आपके फर्स्ट जो कंपलसरी वाला क्वेश्चन है वो भी पूछा जा सकता है। 500 एंड 1000 वर्ड तीनों कवर हो जाएंगे आपका। अगर आप ये पढ़ के जा रहे हो तो आप इन तीनों पॉइंट्स पर, चाहे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में या खंड का में, खंड आ में या खंड बा में, कहीं ना कहीं तो आप पदोन्नत लिख करके आओगे, या आप मान करके चल सकते हो। अगला क्वेश्चन हमारा 8 नंबर का क्वेश्चन, एक 8 नंबर का टॉपिक जो हम आपसे बात कर रहे हैं वो है आपका वित्तीय प्रशासन।
वित्तीय प्रशासन क्या कह रहा है, वित्तीय प्रशासन क्या होता है, बजट क्या होता है, बजट की क्या भूमिका है, उसके लिए क्या क्या निर्देश जारी किया जाता है, ये सब रिलेटेड आते हैं आपके वित्तीय प्रशासन में। ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं कि ये चीज़ें वित्तीय प्रशासन के अंतर्गत आती हैं। जैसे कि अगर हम बात करें वित्तीय प्रशासन को लेकर के आपके क्वेश्चन की, तो विनियोजन विधेयक आ जाता है, कौन कौन से विधेयक पास होते हैं, बजट आ जाता है, लेखा जोखा आ जाता है, बजट पर जो चर्चा होती है, बजट की तैयारी हो गया, बजट के निर्माण की प्रक्रिया हो गया, वित्तीय प्रशासन में बजट का क्या महत्व है, तो वित्तीय प्रशासन में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। क्या समझते हैं आप इसकी क्रियान्वयन क्या है, तो बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं इसमें आपका। इसके बाद अगला जो टॉपिक आपके सामने हमने रखा है 9th नंबर का टॉपिक, वो कह रहा है आपका प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण, यानी कि प्रशासन कुछ चीज़ें निकाल रही है, अब उस पर भी एक न्यायिक नियंत्रण रखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हो सकता है प्रशासन मत भ्रष्ट हो जाए या प्रशासन कुछ चीज़ें गलत कुछ रूल्स लेकर के आए, तो उस पर भी एक अंकुश लगाने के लिए न्यायिक नियंत्रण की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ओके, इसको लेकर के डॉक्टर एलडी वाइट कहते हैं न्यायिक नियंत्रण को लेकर के कि न्यायिक नियंत्रण के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा है कि अधिकारियों और उनके कार्यों पर बाहरी औपचारिक नियंत्रण को प्रमुख प्रभारों के अंतर्गत रखा गया है, और बाहर से उस चीज़ पर नियंत्रण रखना अधिकारियों के कार्यों पर, अधिकारियों के जो भी उनके अधिकार हैं उन पर एक तरह से नियंत्रण रखना ताकि वो एक अच्छा काम कर सके, वो गलत चीज़ें ना कर पाएँ, तो उसके लिए जो है न्यायिक नियंत्रण रखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे भी आपके तीनों टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद 10th टॉपिक जो आपके सामने दिखा रहे हैं आप, हेनरी फियोल के 14 सिद्धांत, ये काफ़ी फेमस सिद्धांत है हेनरी फियोल का, 14 सिद्धांत उन्होंने दिया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है हेनरी फियोल का 14 सिद्धांत, बहुत बार इसे क्वेश्चन पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है हेनरी फियोल के 14 सिद्धांतों में से 5 सिद्धांतों के बारे में बताओ। जैसे कि हेनरी फियोल के 14 सिद्धांतों की अगर मैं आपको थोड़ा सा हल्के में डिस्कशन दे करके बताना चाहूँ, तो सबसे पहला सिद्धांत है उनका क्या, श्रम विभाजन का सिद्धांत। क्या है सिद्धांत उनका पहला, श्रम विभाजन का सिद्धांत उनका पहला सिद्धांत है। दूसरे सिद्धांत की अगर उनकी बात किया जाए तो दूसरा सिद्धांत है अधिकार का सिद्धांत, हेनरी फियोल का दूसरा सिद्धांत है अधिकार का सिद्धांत। इसके बाद तीसरा सिद्धांत जो आपके सामने आता है वो होता है आपका अनुशासन का सिद्धांत। चौथा आता है आपका आदेश में एकता। तो इसी तरह से क्वेश्चंस आते हैं, मतलब टॉपिक्स में आपको बता दे रहा हूँ क्योंकि लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पर। पांचवा है आपका निर्देश की एकता, छठा है आपका सामूहिक हितों की प्राथमिकता, एंड 7th है आपका समुचित परिश्रमिक, एंड 8th है आपका केंद्रीकरण, 9th है आपका संपर्क श्रृंखला, 10th है आपका व्यवस्था, 11th है आपका समानता, 12th है आपका कर्मचारियों का स्थायित्व, 13 है आपका कर्मचारियों के उत्प्रेरण, और 14th है आपका पारस्परिक सहयोग। तो इस तरह से 14 तरह के रूल्स 14 सिद्धांत दिया हुआ है हेनरी फियोल ने जो है इसको लेकर के, लोक प्रशासन को लेकर के। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी, अगर आपने इन 10 टॉपिक्स को कवर कर लिया, अगर आप इन 10 टॉपिक्स को कवर करके जा रहे हैं एग्जाम में, आप 100% एक अच्छा मार्क्स लेकर के आओगे। अगर आपने इन 10 टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लेकिन आपके पास इतने ऑप्शंस होंगे कि आप कोई भी क्वेश्चन लेकर के आ सकते हो। ओके, आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, पहली बार चैनल पर आए प्लीज़ विजिट द चैनल, इट इज़ द मोस्ट वांटेड चैनल, इफ़ यू आर इन बीए तो एक बार जाकर के विजिट जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।